तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है, उनमें से जेंडर और शेयर इट भी है और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो बैन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन यह आता है कि जेंडर अभी वर्क कर रहा है बैन होने के बाद या नहीं कर रहा है। वही व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है रोहन हुसैन, आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब हमें देखना है कि जेंडर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो फाइल्स होती हैं, म्यूज़िक वीडियो जो भी होता है सब शेयर करने के लिए जेंडर चाहिए रहता है। कोई कोई शेयर इट भी यूज़ करता है। तो आप देख सकते हैं जेंडर अभी वर्क कर रहा है, ठीक है, अच्छे से देख लो। मैंने भी ट्राई कर लिया है सब कुछ शेयर करके एक बार, जेंडर वर्क कर रहा है। एंड बात आती है कि जेंडर प्ले स्टोर से चला गया है, ठीक है, प्ले स्टोर से बैन हो चुका है। जिसके पास अभी है उनका तो चल रहा है, फ्यूचर का पता नहीं। एंड कोई कोई लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन पर जाके सर्च करते हैं जेंडर मोड एपीके या कोई भी एप्लीकेशन ऐसी मोड एपीके वाली, वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो वो आपकी डिवाइस को हार्म कर सकती है। वहाँ पे पहले ही पॉपअप आता है, दिस टाइप ऑफ फाइल्स कैन हार्म योर डिवाइस। तो आप उसी को ही एक्सेस देते हैं, उसी को ही बोल देते हैं कि हाँ डाउनलोड कर दे, बट वो आपकी डिवाइस को हार्म करती है। एंड मैंने भी ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ उसे डाउनलोड मत किया करो। एंड एक और चीज़, गलवान वैली में जो हमारे सोल्जर्स शहीद हुए हैं उनको हमारी श्रद्धांजलि, रेस्ट इन पीस, जय हिंद।